गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं थोड़ी देर पहले ही उठी। एंड जो मेरे मामा मामी हैं वो आई थिंक 5 बजे से उठ के जो उनका घर बन रहा है मारोनी घर, वो लोग सुबह से बना रहे हैं, उसमें और भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे चल रहा है काम। देखिए फाइनली इनका ये जो घर तैयार है, कैन यू सी इट, सुंदर बनाया ना उन्होंने, खुद तैयार किया अपने हाथों से। नीचे में मच्छरदानी रखा है ताकि जो चावल के दाने हैं वो नीचे इधर उधर ना जाए, नीचे ही पड़े। इट्स ब्यूटीफुल। सो लिविंग इन जूम में ऐसे रहना, द क्वेश्चन इज कि पानी वगैरह कहाँ से आता है। सो वो रहा उनका घर और उनका पानी है उस दूर बहुत नीचे। तो अभी जाएंगे वहाँ पे नहाने, कपड़े धोने, प्लस वहाँ से उठा के पानी घर में रखने के लिए। वेरी डिफिकल्ट जॉब गाइज। मैं तो अच्छे से ढंग से चल भी नहीं पाती, पहाड़ चढ़ भी नहीं पाती। एंड दीज गाइज ब्रिंग ने हैवी हैवी वो उठा के लेके आते। सो चेक इट आउट, इट्स अम्यूजिंग। वो रहा घर और पानी मिलता है उधर। ये देखिए दे आर गोइंग, कपड़े लेके जा रही है और वो पानी के वो बर्तन लेने, उन बर्तनों में वो पानी लेके आएंगी। चल लेट्स गो। ये बहुत ही स्टीप स्लोप है, आप देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये वाला स्लोप चढ़ के आए हम, उतर के आए हम लोग। खतरनाक। गोरो is coming. गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि धान कैसे काटा जाता है। ये है एक हल्लोंग जिसे बोलते हैं, इसमें रस्सी नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे लेके जा रही हूँ।
इसमें हम लोग रखेंगे धान काट के, और जो सिक्कल होता है ना उससे काटेंगे। तो मेरी बहन मेरे सामने है, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, तो लेट्स गो। बोल रही मम्मी धान काटते हुए, और हम लोग बस स्टार्ट करने वाले हैं। और पढ़ना से नहीं दो रहे आज देना तो सो दिते थे आज पुगिया बनाने में पुगिया बनाने ते हो मामी ये इंसान का मामी तो अबे नागन देगा दे सांगे का हिंगरी दांदोन हिंगरी हावान Alongot buran teh. Binidan deh, binidan ano? Binidan. Ini raha, jo maroni ghar. Ye mera bhai Ujjal. Aur abhi ye dikhayega ki dhan ko kaise alag karte hain. Yo. De dega. दिख रहे हैं आपको ये नीचे में एक मच्छरदानी लगा के रखा है ताकि धान इधर उधर ना जाए। और ये देखो देख सकते हैं आप वो गिर रहे हैं यहाँ पे मुझे कदम उतर जा मधु फरगतु बेसिकली ये जो छिलके होते हैं वो चावल से अलग कर रहे हैं मेरे मामा। तो देख रहे होंगे वो मेरी मम्मी वहाँ से उठा रही है वो चावल को, चावल के जो दाने हैं, और यहाँ से मेरे मामा हवा दे रहे हैं ताकि जो पतले हैं वो छिलके जो जिसमें चावल नहीं होते पतले पतले से वो निकल जाए ईजिली। इसको आई गेस इंग्लिश में विनोविंग भी बोलते हैं इस प्रोसेस को। ये धान को रखते हुए मामा हल्लोंग में हल्लोंग इस बांस का बनाया हुआ बास्केट, फिर उसको बोरी में डालते हुए हाय रो दला सुगत है दानुन हाय रो दला सुगत है एक रोज ता हो हो इतना रसो के बे बा अनि बिनी बिनी दान सुगुनो दे आ जा गुन तो ले कोई तो सुगो हो दे आ है तो बातें होला सुगुनो हो रही ओ মামু তুমি চলুন বানাহে বাতে সিহঁতে গৰণা বেজি বাতে তহঁতক দিব বিনিদান চলুন দে নৰ্মেল চলুন না এইগুণ চলুন দে তুমি তোমাৰ হেবাতে হয় সদক থে বেগটো নগৰে
अनि मामी तीन बत्ता था लाओ इधे यो वो है पूरे बाजार बत्ते ना है तुम्हें तो दे बिनिदान ना है माने उनके हाई दे सोला है बैकून सिकुन ना बेचा साले hawking everywhere. Wow, look at the moon today. Seems like it's Purnima. Beautiful. Egg packet. Oh. Go back. Go back. I saw that one. Come on. Mama. Sawana. सो इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है यहाँ पे. द क्वेश्चन इज तो मैं कैसे अपना फोन चार्ज करती हूँ. तो लेट मी जस्ट शो यू माई सेटअप. ये देखिए, ये है मेरा चार्जिंग का जो केबल है चार्जर से निकाला हुआ, और ये इस चीज से कनेक्टेड है. दिस इज आई डोंट नो, ये मुझे मिला था एंड वो भी टूटा हुआ है. बट थैंकफुली ये वाला जो यूएसबी का जो कनेक्शन वाला टाइप था वो वहाँ पे है, तो इसलिए मैंने इसमें कनेक्ट किया. एंड देन दिस, ये दो तार छीड़ फाड़ के इसमें लगाया, कनेक्ट किया. एंड दिस ऑल द वे गोज टू दैट थिंग. वो दिख रहा है ना आपको, वो सोलर है. तो अभी सन सेटिंग का टाइम है, तो वहाँ से जो है यहाँ पे मैंने डायरेक्ट चार्ज दिया हुआ है फोन को. बट और ये बैटरी भी हम लोग चार्ज करते हैं, यू नो, एक बल्ब है उस बल्ब में कनेक्ट करते हैं, बल्ब लाइट होता है इससे. बट मैंने फिलहाल डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, देखें. एंड दिस इज हाउ आई चार्ज माई फोन. ओके, टू मच स्ट्रगल. टुडे वाज, आज मेरा आखिरी दिन था जिम में. मजा आया बहुत. ओ मजा आया, बोलो. हाँ बोलो. हाँ मजा आया. होना नुवारी. बाय, आई एम गोइंग हेडिंग टुवर्ड्स होम. आई एम गोना मिस दिस प्लेस सो मच. बहुत याद आऊंगी, याद करूंगी इस जगह को बहुत. Thank you.
My experience in gym was a mix of everything. It was beautiful, amusing, joy, and also sad. Initially, I had planned to stay over for only 3 days. पर देखते ही देखते कब 15 दिन गुजर गए पता ही नहीं चला। फ़ोन चार्जिंग में मेरा सबसे बड़ा इशू था क्योंकि मेरे पास पावर बैंक भी नहीं था, तो इसलिए मैं ज़्यादा फिल्म भी नहीं कर सकी। ओवरऑल इट वॉज एन यूनिक एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस एंड इफ यू एवर कम टू मिजोरम डोंट फॉरगेट टू विजिट जूम। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको जूम का एक टूर दिखाऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाना। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ एपिसोड एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।